कल आपने किए थे चार डिफरेंट प्रिंसिपल्स, उसका आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम एनकैप्सुलेशन, जो कॉन्सेप्ट है कल हमने इम्प्लीमेंट किया था विद द एग्जांपल ऑफ पर्सन क्लास। क्लास नेम इज पर्सन, पर्सन डॉट जावा, एंड आवर नेक्स्ट क्लास इज डेमो डॉट जावा, वेयर वी विल डू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फॉर द टेस्टिंग ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। डेमो में हम सिंपल मेन मेथड बना लेंगे, तो वहाँ पर हम जितने भी क्लासेस को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन क्लास, सो पर्सन क्लास में एक क्लास पर्सन हमने ली, उसके दो तीन एट्रीब्यूट्स ले लिए। लेट्स से दो एट्रीब्यूट हमने लेते हैं, स्ट्रिंग नेम कॉमा ओके इंटीजर एज। कोई भी पर्सन है उसका नेम हो सकता है, एज हो सकती है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, हम सिर्फ दो ले रहे हैं। अब डेमो में हम पर्सन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे पर्सन पी वन इक्वल टू न्यू पर्सन, एंड पी वन डॉट नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम दे देंगे हम, जैसे आकाश, पी वन डॉट एज इक्वल टू लेट्स से 2000, और यहां से एक मेथड कॉल कर लेंगे पी वन डॉट शो टू प्रिंट बोथ वैल्यूज, एंड शो मेथड यहां पे डिफाइन करेंगे। इन दिस मेथड वी विल प्रिंट द नेम एंड एज। नाउ रन द प्रोग्राम, कंपाइल बोथ क्लासेस, देन डेमो, तो आउटपुट आ गई आकाश एंड 2000। सो इन दिस केस 2000 इज नॉट ए वैलिड वैल्यू, तो नाउ वी विल इंप्लीमेंट द एनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के लिए वापस जाएंगे पर्सन डॉट जावा में। इनकैप्सुलेशन टू स्टेप प्रोसेस, तो पहला स्टेप क्या होगा, डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो डेटा को हाइड कैसे करेंगे, प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करके, तो दोनों मेंबर्स को हम प्राइवेट ले लेंगे, ठीक है। सो प्राइवेट लेने से दोबारा इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पर उसने एक्सेस को डिनाई कर दिया, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, ओनली विद इन द क्लास। अब विद इन द क्लास एक्सेस करने के लिए सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, एनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग आपको गेटर सेटर डिफाइन करना है, तो हम एक के लिए गेटर सेटर डिफाइन कर लेंगे एज के लिए। सो पहले सेटर डिफाइन कर लेंगे पब्लिक वॉइड सेट एज। और मैंने एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बताया था कल, जावा बीन, तो जो भी आपका वेरिएबल नेम है इट शुड बी एग्जैक्टली सेम विद द डिफरेंस कैपिटल केस कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, उसके आगे सेट लगा होगा, गेट लगा होगा। आप लेने को गेटर इस तरीके से भी ले सकते हैं, सेट एज वैल्यू, ठीक है, बट हमारे मेंबर का नाम एज वैल्यू नहीं है, ओनली एज है। तो इफ यू टेक सेम नेम एज ऑफ योर गेटर सेटर नेम विद द सेट एंड गेट कीवर्ड, दैट बिकम्स अ प्रॉपर जावा बीन, ठीक है। और जावा बीन क्या होता है, इट्स अ फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास, क्लियर। सो नाउ सेट एज इज डिफाइंड, नेक्स्ट गेट एज वो भी हो गया, ओके। तो अब हम सिर्फ एक के लिए करते हैं, सिमिलरली आपको नेम के लिए भी कर लेना, ठीक है, गेट नेम सेट नेम। अब वापस जाते हैं डेमो में, नेम को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे एरर आएगी, बिकॉज नेम बिकम्स अ प्राइवेट नाउन। हम सिर्फ एज को देखते हैं यहाँ पर, पी वन डॉट शो, अब इसके लिए भी एरर आएगी, तो इस दोनों को कमेंट कर दिया, तो वैल्यू पास करेंगे थ्रू सेट एज। सो पी वन डॉट सेट एज 2000, ठीक है, और नेम नल है सपोज। तो नाउ रन द प्रोग्राम अगेन, सो स्टिल यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू नल एंड 2000। तो नाउ यू विल पुट द लॉजिक इन सेट द सेटर मेथड। तो सेटर मेथड में जाएंगे, यहाँ पर एज हमने ए लिया हुआ है, तो यू डिफाइन द कंडीशन, इफ लेट्स से 18 टू 60 इयर्स की एज अगर होगी तो ही एज में वैल्यू वो ट्रांसफर करेगा, एल्स डिफॉल्ट वैल्यू वी कैन अज्यूम 18। नाउ अगेन रन द प्रोग्राम, सो हियर यू आर गेटिंग द वैल्यू 18, ऑल्दो हमने 2000 पास की थी वैल्यू, बट प्रिंट कितनी हो रही है 18। सो ये क्यों हो रही है, ड्यू टू इनकैप्सुलेशन, एक्सेस हमने ब्लॉक कर दिया और सेटर में कंडीशन लगा दी, तो किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्लास हम यहाँ पर बनाते हैं, दो अलग अलग बनाएंगे, सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, तो चाइल्ड इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। तो सबसे पहले पेरेंट क्लास को बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे इसको, राइट। तो मान लीजिए कोई पेरेंट है, उसके पास कोई एजुकेशन उसने दे रखी है, पेरेंट ने सपोज उसने किया हुआ पीए, तो शो एजुकेशन। नेक्स्ट मेथड, तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था शो रिलीजन, तो यहाँ पे सपोज एक्स वाई जेड, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमो में जाते हैं, पेरेंट का पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट एंड वी कॉल बोथ मेथड्स पी डॉट शो एजुकेशन, पी डॉट शो रिलीजन एंड देन रन द प्रोग्राम। तो गेटिंग द आउटपुट बी ए एंड एक्स वाई जेड। तो कोई पेरेंट है, पेरेंट की हमने एजुकेशन शो कर दी और उसका रिलीजन शो कर दिया, दैट इज एक्स वाई जेड, राइट। अब एक चाइल्ड बनाते हैं, नाउ पेरेंट का एक चाइल्ड है, तो क्रिएट ए क्लास चाइल्ड एंड देयर इज नथिंग इनसाइड दिस क्लास, ओनली इट्स एक्सटेंडिंग क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। तो वापस अब यहां पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट्स ए चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, सी डॉट शो एजुकेशन एंड सी डॉट शो रिलीजन। ओके, हमारे पास एक अलग क्लास बनाई जिसमें कुछ भी नहीं डिफाइन किया हुआ एंड वी आर कॉलिंग द मेथड शो एजुकेशन शो रिलीजन। ये प्रोग्राम काम करेगा, चलेगा प्रोग्राम ये, क्योंकि हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास को और दोनों मेथड इनहेरिट हो जाएंगे एंड यू आर गेटिंग द वी विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं। So, BAXYZ, BAXYZ, the same output, ठीक है? अब प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग चलते हैं। पेरेंट है, उसकी अपनी एजुकेशन होगी, अपना उसका एक रिलीजन है। जो चाइल्ड है, चाइल्ड के पास अपनी एजुकेशन होगी डिफरेंट, तो उसमें क्या करेंगे, सेम तो नहीं हो सकती ना, चाहे सेम एजुकेशन हो बट ईयर इज डिफरेंट, राइट, मार्क्स आर डिफरेंट। तो उस केस में आर नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है कि चाइल्ड क्लास में फंक्शन को ओवरराइड करेंगे। So we will define a new function in the child class and function overriding जो क्या होता है उसका definition हमने कल किया था, when you define the same prototype method in the child class which is already defined in the parent class, that is called method overriding। So let's say यहाँ पर child का education है, let's say BTech, ठीक है, यहाँ पर overriding हम जो सी है religion की भी कर सकते हैं, right, overriding हो सकती है ना, sure religion। अब वहाँ पे XYZ है तो यहाँ पे ABC ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे ओवरराइड कर दिया हमने, ओवरराइड करना शो रिलीजन एंड शो द आउटपुट लेट्स से ABC, ये काम करेगा, हम ओवरराइड कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। अभी आप दोबारा से इसको रन करोगे प्रोग्राम को, so you are getting the different output, for the parent education is BA and the religion is XYZ, but for the child education is BTech and religion is ABC, but मैं चाहता हूँ कि वो override ना हो, तो क्या करेंगे, final keyword, तो एक बार final keyword लगाते हैं parent में, so we put the final keyword in the parent class, final, now again run the program। तो नाउ यू आर गेटिंग द एरर, क्या बोल रहा है वो, क्लास चाइल्ड ओवरराइड्स फाइनल मेथड पेरेंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो फाइनल कीवर्ड की हेल्प से उसको ब्लॉक कर देंगे ओवरराइडिंग को, ये क्लियर हो गया। अब एक और थोड़ा सा स्टेप आगे चलते हैं, दिस इज द चाइल्ड क्लास, नाउ टेक यू जस्ट इमेजिन दिस इज चाइल्ड वन, अब एक पेरेंट है उसके दो चाइल्ड है, चाइल्ड वन और चाइल्ड टू। चाइल्ड वन की एजुकेशन है बीटेक और मान के चलते हैं चाइल्ड टू की एजुकेशन है एमबीए। यू जस्ट डिक्लेयर दिस क्लास एज चाइल्ड वन एंड शो रिलीजन को हटा देंगे क्योंकि वहां पर एरर आ रही थी, वी कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड। ओके,
ओके सो यहाँ पे एम्प्टी डिफाइन कर दिया। अब चाइल्ड टू सपोज अब एक पेरेंट है, पेरेंट की अपनी एक्टिविटीज सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, जो चाइल्ड है उनकी डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी, एडिशनली होंगी कुछ, तो यहाँ पे एडिशनल हम मान के चलते हैं कि चाइल्ड टू इज डूइंग बिजनेस, लेट्स से पब्लिक वर्क, मे बी शो बिजनेस, और यहाँ पर हम देते हैं डूइंग बिजनेस, तो चाइल्ड टू है वो बिजनेस कर रहे हैं और चाइल्ड वन क्या कर रहे हैं, लेट्स उसको वहां पे हम दिखा देते हैं जॉब कर रहे हो, तो बिजनेस की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं जॉब, डूइंग जॉब। तो चाइल्ड वन का कोड दो मेथड है, शो एजुकेशन शो जॉब, और एक मेथड ओवरराइड इनहेरिट हो रहा है पेरेंट से, कौन सा, शो रिलीजन। नाउ चाइल्ड टू सेम है चाइल्ड वन और चाइल्ड टू, ओनली द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट मेथड शो बिजनेस, ठीक है। सो प्रैक्टिकली जो दिमाग में ये चीज आपको बिठानी है, देयर इज सम पेरेंट, उसके दो चाइल्ड हैं, एक जॉब कर रहा है एक बिजनेस कर रहा है, तो रिलीजन हमने ब्लॉक कर दिया, वो इनहेरिट हो रहा है पेरेंट से, और डिफरेंट डिफरेंट दोनों की एजुकेशन है। नेक्स्ट क्लास पेरेंट, तो पेरेंट में दो मेथड है, शो एजुकेशन है शो रिलीजन। अच्छा अब हम इसके डेमोस्ट्रेशन करते हैं, डेमो में जाते हैं, इसको क्लीन कर दो सभी को। एक जनरल लाइफ क्वेश्चन, बच्चे जो है पेरेंट्स के नाम से जाना जाते हैं या पेरेंट्स बच्चों के नाम से, ठीक है ना, पेरेंट्स का नाम ही होता है, सरनेम हमें कहाँ से मिल रहा है, पेरेंट्स से मिल रहा है, पेरेंट्स ओनली लेते हैं ना सरनेम, तो यहाँ पर एक पेरेंट का रेफरेंस ले लेते हैं ओनली पी, ठीक है। सो पेरेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, नाउ पेरेंट से पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, पहले पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बना, एक रियल लाइफ एंटिटी एग्जिस्ट करी, उसने कुछ एजुकेशन अवेल करी, एजुकेशन दिखा दिया और रिलीजन भी दिखा दिया। अब उसके बाद पी उस पेरेंट का एक चाइल्ड हुआ, पी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, पी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड वन। नाउ इज दैट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग, अपकास्टिंग। अपकास्टिंग क्या था, व्हेन यू टेक अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास एंड कनेक्ट टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड अपकास्टिंग, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है दैट गेट रेफर्ड विद द पेरेंट, प्रैक्टिकली भी तो ऐसे ही होता, ठीक है कि नहीं, होता कि नहीं होता। लेकिन डाउन कास्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस। प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोच के देखो, ऐसा होता है कि बच्चों के रेफरेंस से पेरेंट को देखा जा रहा है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डाउन कास्टिंग बेसिकली क्या होती है, लेवलिंग, जो मैंने आपको ए बी सी डी डायग्राम कल आपको बताई थी, क्लियर हो गए। नाउ वी कॉल द मेथड पी डॉट शो एजुकेशन and p dot show religion, and the you repeat this thing for the child 2 as well. So now in this case sabse pehle kya output aayi thi, p ka reference parent ka reference aur parent ka object hai, method call kiya show education, kya output aayegi, ba, is case mein xyz, ab child ka object hai aur parent ka reference hai, now this is the difference, हम यहाँ पे पेरेंट का ही रेफरेंस ले रहे हैं, चाइल्ड का रेफरेंस नहीं है। तो इस केस में व्हाट यू थिंक कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, शो एजुकेशन बी आएगा स्टिल, कारण उसका क्योंकि प्रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है, श्योर। एक मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इंडिया क्रिकेट खेलने जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया का मैप फिजिकल लोकेशन उठ के ऑस्ट्रेलिया खेलने गया या उसका रेफरेंस गया, रेफरेंस गया, तो फिजिकली उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, चाहे वर्ल्ड में कोई भी चीज हो रही हो इंडिया या भारत को लेकर, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, हमारे कंट्री में। तो फिजिकल एंटिटी द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दिस डजंट मैटर, रेफरेंस डजंट मैटर, रेफरेंस एक रेफरेंस है, वो यूएसए में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, रेफरेंस किसका है ये मैटर करता है,
तो फिजिकल एंटिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिकल एंटिटी। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाइल्ड वन का कनेक्टेड है तो वो उस ऑब्जेक्ट का, उस क्लास का मेथड कॉल करेगा, ना कि पेरेंट का, ठीक है। अब क्योंकि उस क्लास के अंदर श्योर रिलीजन तो है नहीं, तो वो क्या होगा? इनहेरिटेड मेथड होगा। तो वहां पे आउटपुट क्या आएगी? एक्स वाई जेड। सिमिलरली इन दिस केस एमबीए एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। व्हेन यू कॉल अ मेथड विद द रेफरेंस वेरिएबल, ये टाइप हो रही है यहां पे, एक बार देख लेना। व्हेन यू कॉल अ मेथड विद द रेफरेंस वेरिएबल इन दैट केस द मेथड विल बी कॉल्ड फॉर द करंट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, फिजिकल स्पेस, रेफरेंस रेफरेंस है। आज रेफरेंस यूएस में बैठा तो कल को ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता हो, लेकिन इम्पैक्ट उसका कहां पर होगा? हमारे कंट्री में, ठीक है। और इस प्रोग्राम को हमने डेमोस्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ अपकास्टिंग। यहां पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी इंप्लीमेंट होगी, वन पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। सो दिस इज अ डेमोस्ट्रेशन फॉर द हायरार्किकल इनहेरिटेंस एज वेल एज यहां पर अपकास्टिंग भी होगी, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट आ रही है। पेरेंट के लिए बीए एक्स वाई जेड, बीटेक एक्स वाई जेड, एमबीए एक्स वाई जेड, करेक्ट आउटपुट है। नाउ ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड क्या कर रहा है? वन वाला जॉब। तो इसके लिए मेथड कॉल करते हैं शो जॉब, पी डॉट शो जॉब। सिमिलरली फॉर द चाइल्ड टू, चाइल्ड टू क्या कर रहा था? बिजनेस। तो मेथड कॉल करते हैं शो बिजनेस। सो क्या आउटपुट आएगी? प्रोग्राम रन करेगा, करेगा विद डिफरेंट आउटपुट। इसके लिए मेथड, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि करंट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन से, चाइल्ड, तो मेथड इज अवेलेबल, ठीक है। बट यहाँ पे एरर आएगी, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज एरर। एरर क्या आ रही है? वेरिएबल पी ऑफ टाइप पेरेंट कैन नॉट फाइंड सिंबल शो बिजनेस, सिमिलरली कैन नॉट फाइंड सिंबल शो जॉब। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। एक पेरेंट है, वो रिटायर होकर इंडिया में रह रहा है, उसके दो बच्चे हैं, एक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलिया में। एक बच्चा जॉब कर रहा है और एक बिजनेस कर रहा है। पेरेंट को सारी चीजें पता होती हैं बच्चों की, ठीक है। तो रेफरेंस मैंने यहाँ पे किसका लिया? पेरेंट का। और मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड वन की, उसको क्या पता? उसको ये पता नहीं जॉब कर रहा है, किस तरह की कर रहा है हमें नहीं पता। दूसरा बच्चा बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है हमें नहीं पता। पेरेंट को सब चीजें नहीं पता होती प्रैक्टिकली, अगर आप इस चीज को सोचो दो। तो इसका मतलब पेरेंट को जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो चीज पेरेंट को नहीं पता होगी। सो इन दिस केस एरर क्यों आ रहा है? दैट इज व्हाई दैट सीइंग कैन नॉट फाइंड सिंबल शो जॉब। ऑल्दो व्हेन यू कॉल द मेथड ऑलवेज गेट कॉल्ड फॉर फ्रॉम द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, बट मस्ट बी डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास एज वेल, ठीक है। सो यू कैन मेक ए पॉइंट, अनदर पॉइंट, व्हेन यू कॉल्ड द मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास रेफरेंस दैट मस्ट बी डिफाइंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड डेफिनेशन इज अवेलेबल इन द चाइल्ड क्लास एंड द ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद द पेरेंट रेफरेंस। मैटर नहीं करेगा वो। अब घर पे कोई कोरियर आ गया, पेरेंट है, बच्चे जॉब पे गए हैं, बिजनेस करने गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोरियर रिसीव कर देंगे, भाई तो आपको कोरियर आया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि कोरियर ऑर्डर किया हुआ, तो फोन करके पूछेंगे ना उसे। अब वो फोन करके वो बोलेंगे कि हाँ मैंने ऑर्डर किया हुआ तो रिसीव कर लो, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ? हमने वो डेफिनेशन पेरेंट में डिफाइन कर दी, उसको बता दिया कि यस इट इज देयर। सो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पेरेंट क्लास में वो मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे, बट प्रैक्टिकली अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट इमेजिन, एक पेरेंट क्लास है उसमें कितने मेथड है? 10। एक चाइल्ड क्लास ली, उसमें 10 तो इनहेरिट हुए, 90 और डिफाइन कर दिए, टोटल कितने हो गए? 100। लेकिन अगर मैं पेरेंट के रेफरेंस से मेथड कॉल कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको वो 90 के 90 मेथड पेरेंट में भी डिफाइन करने पड़ेंगे। सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट गुड एंड नॉट पॉसिबल इवन। अब इसका सोल्यूशन बताओ क्या है? सो नाउ द सोल्यूशन इज डाउन कास्टिंग, ठीक है। तो डाउन कास्टिंग कैसे करेंगे?
You take a reference variable here of child 1 class, child 1 let's say C1, and you connected the object of child 1 to the parent. You will copy this address of P to the C1 with the typecasting. कल हमने किया था ना downcasting, ठीक है? अब यहाँ पे parent बड़ा है या child बड़ा है? Parent. तो जब मैं parent का address copy कर रहा हूँ child में, तो typecasting करनी पड़ेगी, ठीक है? It is the same concept जैसे integer और byte वाला. Integer x और byte y. जब आप x की value को y में copy करोगे, तो you need to do typecasting. Similarly here. ठीक है, पेरेंट के जो रेफरेंस है हमने कॉपी कर दिया C1 में. नाउ यू कैन कॉल ऑल द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ C1. ये फिनोमेना क्या हुआ? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाउनकास्टिंग. एंड यू विल रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द चाइल्ड 2 एज वेल एंड कॉलिंग ऑल द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ C2. अगेन रन द प्रोग्राम. नाउ यू आर गेटिंग द डिजायर्ड. अब इसमें आपको एक डाउट आ सकता है कि अगर ये डाउनकास्ट कर रहे हैं, पहले हमने P का रेफरेंस लिया, फिर उसको वापस हमने C2 में कन्वर्ट किया या फिर C1 में कन्वर्ट किया, तो बेटर है कि डायरेक्टली डिफाइन कर दो चाइल्ड C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड C1. ऐसे ही है ना? तो हम इसको अलग से पहले P में ले रहे हैं, फिर P को वापस C1 में लेकर आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. रेडियो सब सुनते होंगे, सुना भी होगा कभी ना कभी. तो जब रेडियो स्टेशन है, तो रेडियो स्टेशन से क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन. हमारे पास एक रेडियो रिसीवर है, आजकल मोबाइल फोन्स में भी होते हैं, तो फ्रॉम देयर यू रिसीव द सिग्नल्स. अब रेडियो स्टेशन में सपोज 10 चैनल हैं, तो क्या उनके पास 10 ट्रांसमीटर भी होंगे? अगर हमारे पास एक रेडियो रिसीवर है, अलग अलग चैनल को सुनने के लिए 10 अलग अलग रिसीवर चाहिए, ऐसा होता है? नो. रेडियो ट्रांसमिशन साइड पर आप क्या करते हो? यू ट्रांसमिट ऑल द सिग्नल्स on one channel, on one transmission medium. Similarly, you receive all the signals from one receiver. When you transmit all the signals, आपके पास n number of channels है, you convert into one channel. That is called multiplexing. ऐसे ही होता है. Similarly, demultiplexing क्या होता है? आपने tune किया अपने mobile phone को कि कौन सा desired channel आपने सुनना है, उसके accordingly आप signal receive कर रहे हो. Now just imagine, अगर आप क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है? पहले वाले कंप्यूटर में 10 तरह की इन्फॉर्मेशन है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, चाइल्ड 5, कितने सारे चाइल्ड है. अब 10 तरह की चाइल्ड आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है, 10 तरह के चाइल्ड की, ठीक है? तो सेंडिंग पॉइंट्स कितने होंगे? 10 चाहिए. लेकिन बेटर क्या है? ओनली वन. वायर कितनी होती है? एक ही वायर होती है. तो जब आप सेंडिंग टाइम पे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, तो क्या करोगे? आप कास्टिंग. चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया किसके साथ? पेरेंट के साथ. चाइल्ड 2 को जब इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट किसके साथ कनेक्ट कर दिया? पेरेंट के साथ. एंड व्हेन यू कनेक्ट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू द पेरेंट क्लास रेफरेंस, दैट बिकम्स अप कास्टिंग. एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग हियर, मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है? सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3. जब आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, यू आर सेंडिंग थ्रू द पेरेंट रेफरेंस. रिसीविंग एंड पे आ जाते हैं. रिसीविंग एंड पे क्या होगा? हमने वहां पे सेंड क्या किया था? पेरेंट का रेफरेंस. तो यहां से आप रिसीव क्या करोगे? ओनली वन थिंग, पेरेंट पी रिसीव कर लोगे, एंड एज पर द नीड डी मल्टीप्लेक्स कर दोगे उसको. ठीक है? तो डी मल्टीप्लेक्स कैसे करेंगे? डाउनकास्टिंग से. तो मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट इज बेसिकली यूज फॉर अपकास्टिंग. क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग में बिना अपकास्टिंग बिना डाउनकास्टिंग के आप सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल ऑन द ट्रांसमिटर साइड एज वेल एज ऑन द रिसीवर साइड. और अभी जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया, लास्ट प्रोग्राम में दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे, मल्टीप्लेक्सिंग भी हो रही है और डी मल्टीप्लेक्सिंग भी हो रही है. मल्टीप्लेक्सिंग रेफर्स टू अपकास्टिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग इज रेफर टू डाउनकास्टिंग. अब एक प्रोग्राम और करते हैं, परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें एक क्लास बनाते हैं शेप. शेप में एक मेथड बना लेते हैं शो. आई एम रैंडम शेप. कोई भी शेप है, अब शेप कोई भी हो सकती है, तो दिस इज जस्ट रैंडम शेप. सिमिलरली दो एक स्पेसिफिक शेप लेते हैं, सर्कल, क्लास सर्कल
extends shape. Now extends keyword representing is a relationship. Circle is a shape. That is correct. अब यहाँ पे randomness तो है नहीं. Shape कौन सी circle? तो I am circle. एक और शेप ले लेते हैं स्क्वायर. सो अगेन स्क्वायर एक्सटेंडिंग द शेप क्लास. अगेन स्क्वायर इज ए शेप, इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज पॉसिबल. इजी और हैज़े आपको बहुत काम आएगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनहेरिटेंस कब करनी है और कैसे करनी है. ठीक है. और नेस्टिंग कहाँ पे करनी है? जब हैज़े का यूज हो रहा है. और दिस इज आइंड स्क्वायर. अगेन गो बैक टू लेट्स से डेमो. डेमो में चले जाते हैं. ओके, अभी डेमो को खाली छोड़ते हैं, वापस जाते हैं वहां पर शेप में. इसके ऊपर एक मेथड बनाओ. पब्लिक वर्ड नहीं, पब्लिक शेप. गेट शेप. ठीक है, ये सिंपल शो मेथड है. एंड में डिफाइन करना, एक सिंपल मेथड डिफाइन करो. यहां पर हमने रिटर्न टाइप वर्ड नहीं लिया, शेप लिया हुआ है. शेप का मतलब दिस मेथड विल रिटर्न द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ शेप क्लास. ठीक है, अगर इंटीजर होता तो इंटीजर वैल्यू. वॉइड का मतलब नथिंग इज देयर टू रिटर्न. शेप का मतलब द मेथड विल रिटर्न द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ शेप क्लास. अब यहां पर हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे. नाउ इंटीजर आर, एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं. रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है रैंडम, which is available in the util package. तो java.util.random एक object बना लेंगे. अगर ये नहीं पता तो this is for your reference how we generate a random number in java. ये 3 line का code है. इस 3 line के code में r की value एक random value generate कर देगा. ठीक है, with the help of nextInt method 0 to 5. अगर मैं यहाँ पे 100 दूंगा तो कौन सी value generate करेगा random? 0 to 99 के बीच में कोई भी value. अब कौन सी वैल्यू जनरेट हो रही है हमें नहीं पता. जो भी वैल्यू जनरेट होगी या तो वो इवन होगी या ऑड होगी. करेक्ट. अब मैं चेक कर लेता हूँ आर है क्या. इफ आर इवन, इवन का कंडीशन क्या है? इफ आर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0. अगर वो इवन नंबर जनरेट कर रहा है, एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से शेप एस. हमने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया एस which is containing a null value. कोई भी object connected है अभी इसके साथ? नहीं. अगर तो even number हुआ, then s is equal to new circle. Else, अगर even नहीं है तो क्या होगा? Odd. अगर odd number generate किया, तो s is equal to new square. That's it. This is the concept. तो basically हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? Runtime के ऊपर एक random shape generate कर रहे हैं, with respect to the random number. ठीक है? अब रैंडम नंबर कोई भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है. अगर इवन हुआ तो हमने रैंडम शेप जनरेट कर दी सर्कल की, अगर ऑड हुआ तो स्क्वायर आ गया. ओके, अब इसको चला के देखते हैं. तो अब डेमो में यहाँ पर हम ले लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल शेप एस इज इक्वल टू न्यू शेप एस डॉट शो. तो यहाँ पे तो हमें पता है कि डायरेक्टली इट इज ए शेप. तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी? आई एम रैंडम शेप. क्लियर है? Now, s is equal to s dot get shape. अब यहाँ पर reference s के through हम एक method call कर रहे हैं, which is available in the shape class, get shape. अब ये randomly हो सकता है कि circle का reference return कर रहे हैं, हो सकता है square का, हमें नहीं पता वो कौन सा return करेगा. ठीक है? Now again calling the method s dot show. ठीक है? That's it. ये 4 line का code है. अब इसको चला के देखते हैं. Compile all the programs. 3 बार रन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों बार स्क्वायर आया. दोबारा फिर से रन करते हैं. अभी पहली बार में सर्कल आ गया, सर्कल बाय चांस तीनों बार सर्कल आ गया. फिर से 3 बार रन करते हैं. स्क्वायर स्क्वायर. ठीक है, अगेन ट्राई टू रन स्क्वायर. थोड़ा रैंडम आया अभी इस बार. सो नाउ दिस इज द परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, हमने एक रेफरेंस लिया था स्क्वायर का और उसी के साथ सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट कर दिया और स्क्वायर क्लास का भी. और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच.
इसी को हम कहते हैं लेट बाइंडिंग, डायनेमिक लिंकिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि रैंडम नंबर, कंपाइलर को पता लग जाएगा कि कौन सा रैंडम नंबर जनरेट होने वाला है, नेवर, रन टाइम पे पता लगेगा वो, ठीक है। ओके, वापस हम शेप क्लास को ओपन करते हैं। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हो, जैसे यही हम बात कर रहे थे रैंडम नंबर के लिए, दिस इज द बेसिकली इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो केस कंट्रोल स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं डाउन कास्टिंग के समय। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे तो चलो रैंडम नंबर ले लिया वैसे ही, मतलब बिना किसी कारण के, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू, जैसे हम मान लीजिए कोरियर सर्विस की बात करते हैं, तो कोरियर सर्विस में कुछ चीज़ें डेलीगेट होती हैं, कुछ चीज़ें रफ एंड टफ होती हैं, जैसे मर्जी उसको उस पर लिखा होता है हैंडल विद केयर। तो अब एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर क्या है हमें नहीं पता क्या है, उसके ऊपर लेबल लगा होता है कि इसके ऊपर कुछ कांच का सामान है, इसके बीच में कुछ प्लास्टिक का सामान है या कुछ कपड़े हैं वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली, लेबल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डाउनकास्ट करते हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसको कनेक्ट कर देते हैं पेरेंट क्लास के रेफरेंस से। अब कास्टिंग के टाइम पर और डाउन कास्टिंग के समय क्या करेंगे, यू कैन टेक द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द रिक्वायर्ड चाइल्ड क्लास। तो टेक्स्ट इसमें मेजर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है, और ओवरराइडिंग हो गया, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगी, ठीक है, और इसके अलावा इनहेरिटेंस होगी, सिंगल हायरार्किकल दोनों चीज़ें, इवन मल्टी लेवल भी, ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं जो हमने दो तीन प्रोग्राम्स किए हैं। तो टेक्स्ट आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।